हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर ऑटो हब के एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज हम आए हैं सनी टोयोटा में, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम आज कौन सी आपको कार दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई है ये लिमिटेड एडिशन। देखिए, अर्बन क्रूज़र का हाई मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको ये मॉडल सामने पीछे देखने को मिल रहा है। अब इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि ये अर्बन क्रूज़र ही आप ये पुरानी अर्बन क्रूज़र ही क्यों ले मॉडल, क्योंकि देखिए भाई, मारुति सुजुकी ने अभी जस्ट निकाल दिया इसका नया वेरिएंट, बिल्कुल इसका नया मॉडल निकाल दिया, लेकिन हमारे टोयोटा ने अभी भी ये पुराना वेरिएंट आपको भेज रहा है, क्योंकि भाई कुछ लोग थे जिनको ये लुक अभी भी पसंद आता था। ये लुक भाई एग्रेसिव लुक है यार, इसका एग्रेसिव लुक है और मस्कुलर लुक है, और कहीं ना कहीं ये आपको याद दिलाता है फॉर्चूनर की, ठीक है। तो आप कह सकते हैं छोटी फॉर्चूनर आपके पास है, आपके हाथों में, तो एक अर्बन क्रूज़र लेने के बाद आपको छोटी फॉर्चूनर का मज़ा मिलने वाला है। तो इसी में जानकारी देने वाला हूं कि अब इसमें क्या क्या न्यू फीचर ऐड हो गए हैं और क्या क्या आपको अच्छा मिलने वाला है जिसकी वजह से आप इसकी तरफ शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें इसकी एक्सटीरियर, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा बड़ा सा हेडलैम्प यहाँ पे, और यहाँ पे आपको बड़े हेडलैम्प के अंदर ही आपको सिल्वर इंसर्ट कई सारे मिल जाते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है DRL की प्लेसमेंट, और DRL में ही आपको इंडिकेटर प्लेसमेंट भी दी गई है, और साथ में यहाँ पे HID में आपको हेडलैम्प दिए गए हैं। HID में हेडलैम्प दिए गए लो बीम और हाई बीम के लिए। उसी के जस्ट नीचे आप अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दी जाती है, हाउसिंग दी जाती है आपको फॉग लैंप्स की, बट यहाँ पे इस फॉग लैंप्स में आपको नहीं मिलते हैं, आप बाहर से लगवा सकते हैं या इनके एक्सेसरीज में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग में आपको इसके प्लेट भी मिल जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा जैसे कि फॉर्चूनर। भाई फॉर्चूनर में ये इतना बड़ा इस तरह का गिर मिलता था। अब मैं बताता हूँ मारुति लोग छोड़ के फॉर्चूनर की तरफ इसकी तरफ क्यों आते थे टोयोटा की तरफ, बिकॉज ऑफ दिस ग्रिल। इस ग्रिल की वजह से ही इसके ऊपर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको फॉर्च्यूनर की याद दिलाते थे। पुरानी ब्रेज़ा के मुकाबले में ये ब्रेज़ा कितनी ज़्यादा आपको मस्कुलर फील होने वाली है, क्योंकि इसके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्रोम को इंसर्ट किया गया है, जगह जगह पर आपको छोटे छोटे क्रोम्स मिल जाएंगे, और ये गाड़ी के लुक को और ज़्यादा इन्हांस करते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, साइड प्रोफाइल में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे इसके फुल्ली ब्लैक आउट में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि आपके यहाँ डिस्क के साथ आते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये 215/60 R16 का टायर सेक्शन, और ये टायर बड़े हो रहे हैं, और आप बड़े साइज़ होने की वजह से ये आपको रोड प्रेजेंस भी अच्छी मिलती है इस गाड़ी के साथ साथ। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरे फुल ब्लैक आउट में क्लैडिंग मिल जाएगी आपके, पूरे थ्रू आउट तक कार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब चलते हैं इसके गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी कलर में ही आपको मिलने वाले हैं इसके ORVM, इसी पे आपको इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट दी गई है। इसी के साथ आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इसके डोर हैंडल्स जो हैं वो भी आपको किस में मिलने वाले हैं, बॉडी कलर में मिलने वाले, और रिक्वेस्ट सेंसर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे दी गई है। सो आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे गाड़ी का आप लुक देख सकते हैं, तो ये गाड़ी भाई है मस्कुलर फील होती है पीछे से, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइनिंग्स दी गई हैं आपको, ये लाइनिंग कहीं ना कहीं इसको इन्हांस करते हैं इसके लुक को। अब इसके बैक प्रोफाइल को देखेंगे तो बैक प्रोफाइल से आप इसको देख सकते हैं इसकी बैक लाइट। तो भाई जो न्यू आई है आपके पास ब्रेज़ा, उसकी बैक लाइट हमको ज़्यादा पसंद आई, कि भाई मेरे ओपिनियन माने ना तो इसका मुझे फ्रंट ज़्यादा पसंद है इस गाड़ी का, और जो बैक प्रोफाइल आया है जो नई ब्रेज़ा आई है उसका मुझे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी अर्बन क्रूज़र की एक बड़ी सी बैजिंग मिल जाती है, उसी के ऊपर यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग, टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर, साथ में वाइपर, और आपको यहाँ पे वॉशर भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और सिल्वर कलर की क्लैडिंग नीचे की यहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे इधर बात करते हैं इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा यहाँ पे फ्यूल टैंक, ठीक है, जो कि 50 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। और अब इसके फुली ब्लैकआउट व्हील्स को फिर से मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ कि फुली ब्लैकआउट व्हील्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो कि इस कार को लुक को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, क्योंकि भाई कलर भी सिल्वर है और ब्लैक के साथ ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ वेरियंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं तो इसमें आपको 3 वेरियंट मिल जाते हैं, और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों में ही मिल जाएंगे। तो अगर बात करूँ मैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन में या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तो इसमें दोनों में ही आपको मिलने वाले हैं मिड ग्रेड वेरियंट, जो कि बेस मॉडल में इसका आता है, और इसी के ऊपर आप बात करेंगे तो हाई ग्रेड वेरिएंट और प्रीमियम ग्रेड वेरिएंट, ठीक है। तो आप जब मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है आपका हाई ग्रेड वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 9,77,000 से एक्स शोरूम में, और इसके नीचे अगर आप वेरिएंट पे स्विच करते हैं तो आपको 9,02,000 के करीब आपको पड़ जाती है। एंड प्रीमियम ग्रेड की बात करूँ तो आपको ये पड़ने वाली है टोटल 10,00,000 के एक्स शोरूम के प्राइस के साथ में, और ऑटोमेटिक वेरिएंट के जो प्राइसेस है आपको स्क्रीन पर इसमें फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं।
सो अगर हम बात करते हैं कुछ इसके डायमेंशंस के बारे में, तो डायमेंशन में आपको इसकी लेंथ जो मिल जाती है 3995 की इसकी लेंथ मिल जाती है, साथ में इसकी विथ की अगर बात करूँ तो 1790 mm की इसकी विथ आपको मिल जाने वाली है। तो अगर व्हील बेस की बात किया जाए तो आपको इसमें 2500 mm का व्हील बेस मिलने वाला है और 1640 mm की आपको इसकी हाइट मिलने वाली है। अगर मैं इसकी कहता हूँ कर्व वेट के बारे में, तो कर्व वेट जो आपको मिलने वाला है 1120 kg का आपको कर्व वेट मिलने वाला है, जिसकी वजह से इसको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जिसकी 4 स्टार रेटिंग मिलने की वजह से ये क्या है बन जाती है टोयोटा की सेफेस्ट मिनी एसयूवी। एक्सटीरियर से आप इसको बाहर से देख लीजिए तो ये आपकी लाइनिंग इसको मस्कुलर लुक दे ही रही हैं। अब मैं आज की अगर बात करूं इसके इंटीरियर के बारे में, तो चलिए हम इसके इंटीरियर के बारे में कुछ जानते हैं और क्या क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर इंटीरियर में मिल जाते हैं और क्या कुछ खास है इसके अंदर। बात करता हूं मैं अर्बन क्रूजर की कीज़ के बारे में, तो आपको कुछ इस प्रकार की कीज़ मिलने वाली हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है लॉक अनलॉक, और इसमें दो ही आपको सिर्फ ऑप्शन दिए गए हैं, लॉक और अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो देखने मिल जाएगा एक रिक्वेस्ट सेंसर। आप इस गाड़ी को इसे लॉक भी कर सकते हैं और लॉक भी कर सकते हैं ईजिली, ठीक। तो आप देखने मिलेगा आपको यहाँ डोर ट्रिम आपको जो दिया गया है, डोर ट्रिम वो कुछ अलग दिया गया है कि भाई इसको जो मारुति से अलग बनाता है। अब मारुति से अलग बना रहा है तो भाई क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा सिल्वर फिनिश में डोर ओपनर्स, और यहाँ पे आपको कुछ एक डिज़ाइन मिलने वाला है सिल्वर कलर में। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी सॉफ्ट टच, और यहाँ पे आपको सारा मिलने वाला है प्लास्टिक फिनिश में मिलेगा, और चारों पावर विंडो आपके ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन। तो आप ड्रोन ट्रिम में यहाँ पे देख सकते हैं, अब ऊपर की तरफ आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाने वाली है, नीचे की तरफ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर के साथ कुछ स्पेस मिल जाने वाले। इस कार के अंदर आपको सेटअप मिल जाता है 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिल जाने वाला है, जो कि इसका साउंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना देता है। चलिए अब देखते हैं इसकी सीट को, तो सीटें आपको कुछ मिल जाएंगी बहुत ही अच्छी कुशनिंग के साथ यहाँ पे मिलने वाली, जो कि आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा देने वाली। लॉन्ग राइड पे आपको, लॉन्ग जर्नीज पे आपको एक किसी भी प्रकार का इसमें कंफर्ट मिलेगा, बट किसी भी तरह का टायर्डनेस फील नहीं होने वाली, ठीक। यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट हाइट एडजस्टमेंट के लिए, इससे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर कुछ कितना रिफ्रेशिंग आपको फील होने वाला है, जो कि इसको मारुति से अलग बनाता है, ठीक है। तो चलिए अब एंटर करता हूँ गाड़ी के अंदर और आपको दिखाता हूँ इसके और इसके कुछ की फीचर्स। सो अगर बात करूँ मैं इसके इंटीरियर की, और एक गलती यहाँ पे आपको, सबसे पहले मैं टोयोटा की बोलूँ या मेरी गलती बोलूँ, तो यहाँ पे आपको देना चाहिए थे ORVM के कंट्रोल्स, लेकिन ORVM कहाँ देता है, यहाँ देते हैं भाई। तो भाई इंसान भूलेगा ही, तो भूल गया मैं भी, आपको बताना भूल गया। और यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे आपके ORVM ओपन और क्लोज हो सकते हैं, और यहीं से आप ORVM को पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। नीचे तरफ आपको मिलने वाला है यहाँ पे लाइट के ऑप्शंस, ठीक है, लाइट के हाई एडजस्टमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ठीक। तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है इसका कुछ एक टेक्सचर्स फीलिंग के साथ में आता है, और ये पूरा डैशबोर्ड पे ही जाती है पूरी फीलिंग, तो ये आपको बहुत ही अच्छा फील देने वाला है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं AC vents के साइड में आपको मिलने वाला है बिल्कुल एक ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश मिल जाती है, और यहाँ पे आप इसका हैंडल देख सकते हैं, जो कि मतलब डी कट में तो नहीं है, बट हैंडलिंग अच्छा है, सॉफ्ट टच के साथ में आता है ये पूरी तरीके से, और यहाँ पे आपको पूरा प्लास्टिक का दिया गया है। अब कंट्रोल्स की बात करो तो यहाँ पे आपको सारे तरीके से कंट्रोल मिलने वाले हैं, एक साइड लेफ्ट साइड में आपको सभी इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे, और राइट साइड में आपको सभी मिल जाने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंट्रोल्स। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है सेकेंड वेरियंट के अंदर, और लेफ्ट में आपको मिल जाते हैं सारे इसके आपके इंडिकेटर्स के ऑप्शन कंट्रोल्स, और राइट साइड में आपको मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल एंड ब्रेक के कंट्रोल, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो आपके इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है आपको कुछ इस कलर इस तरीके का मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं येलो, ये वैसे कलर्स बदल सकता है, गिरगिट के इस कमान के कलर बदलते रहते हैं, और आप इसको विभिन्न प्रकार के कलरों में बदल सकते हैं। तो आपके बीच में आपको एक छोटी सी MID दी गई है, और आपको एनालॉग और डिजिटल का अच्छा सा कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल को जो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ वही पुराना टिपिकल भाई मारुति की, क्योंकि मारुति से ही गाड़ी बनके आई है एक तरीके से बोला जाए, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वही टिपिकल डंडी वाला कंट्रोल मिलने वाला है। नीचे बीच में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि आपको मिलता है एनालॉग प्लस MID के साथ में, तो बीच में आपको छोटी सी MID स्क्रीन मिल जाती है, और मेजर इन्फॉर्मेशन आपको इस MID के अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। इस कार में आपको जो हैंडल मिलने वाला है वो टिल्ट मिलने वाला है, किसी भी तरीके का टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। तो भाई उम्मीद भी नहीं करता इंसान, और उम्मीद मिलेगी भी नहीं, क्योंकि भाई ये इनोवा या फॉर्चुनर नहीं है। अब फॉर्चुनर के मज़े तो मिल रहे हैं छोटी सी गाड़ी के अंदर, लेकिन फॉर्चुनर नहीं है पूरी तरीके से। तो चलिए अब इसके अंदर हम चलते हैं, पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ कि इसकी साइड इंफोटेनमेंट आपको किस तरीके का इसमें मिलने वाला है। तो चलिए आपको इंफोटेनमेंट दिखाने वाला हूँ मैं आपको सिस्टम। तो अगर आप इस डुअल हैंडल को देखेंगे,
भाई प्रीमियम फिनिश तो है ही डोर हैंडल के साथ में। अगर आप यहाँ पर कुशनिंग देखेंगे तो भाई ड्राइवर साइड या कोच पैसेंजर के साइड भी आपको कुशनिंग बहुत अच्छी मिलने वाली। इस बात में मैं टोयोटा को बहुत ज़्यादा बोलूँगा, प्रेस करना चाहूँगा। अब चलिए मैं एंटर कर चुका हूँ इस गाड़ी के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो ग्लव बॉक्स मिलने वाला है, एक ऊपर की तरफ और आपके एक नीचे की तरफ भी आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। सो ग्लव बॉक्स, अब यहाँ पे सर जगह जगह पे भाई टोयोटा ने इसके अंदर अर्बन क्रूजर में ये जरूर अच्छा काम किया है कि जगह जगह आपको कुछ सिल्वर कलर की किसी वो दी गई डिज़ाइनिंग दी गई है। और आपको जब इंफोटेनमेंट सिस्टम पे जब आते हैं, ठीक है, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको कुछ मारुति वाला ही सेम बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि भाई देखो बैजिंग बदलने से कुछ नहीं होता, बहुत सी चीज़ें इसमें सेम रखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंफोटेनमेंट बता दूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है आपको वही आपको मिलने वाला है, 7 इंच की स्क्रीन के साथ में मिलने वाला है। और यहाँ पे कुछ टच कंट्रोल आपको दिए गए वॉल्यूम के, और साथ में आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए म्यूज़िक के और सेटिंग के कंट्रोल। ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको आता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ में आता है। हम नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिल जाएगा जो कि आपके यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पे यूएसबी सॉकेट का मिल जाती है, मतलब यूएसबी सॉकेट मिल जाता है आपको, और 12 वॉट का आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ठीक, अगर मैं आप बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे है मिल जाने वाला है आपके गियर नॉब, क्योंकि यहाँ पे पतली स्लिंग रिंग्स सिल्वर रिंग के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का हैंडरेस्ट नहीं मिलता है। अब भाई ये चीज़ में मारुति ने बहुत टोयोटा ने बहुत गलत काम किया है कि हैंडरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, पर चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर की तरफ आप देखता हूँ तो यहाँ पे आपको ऊपर लैंप मिल जाता है, और लैंप के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड में भी सेम यही आपको मिलने वाला है, बट यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपके यहाँ पे हम लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बेस्ड लैंप्स हैं, ठीक, और नीचे यहाँ पे समर ग्लास होल्डर भी इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। IRVM ये आपको इसमें जो मिला है वो आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो 10 लाख की गाड़ी में भाई मैनुअली मिलने वाला है, क्योंकि ये एक तरीके से बोला जा सकता है कि टोयोटा ने इसको इस डिज़ाइन को तो अपन बनाया है अब टोयोटा की बैजिंग के साथ में, बट जो इसका एक तरीके जीन्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, वो मारुति से ही उठ के आए हैं। तो चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, आपको दिखाते हैं साइड बैक प्रोफाइल इसकी कैसी है, और सीटिंग कम्फर्ट इसका बैक का कैसा मिलता है आपको। तो चलते हैं इसके बैक की तरफ और आपको दिखाता हूँ इसके गाड़ी का कैसा कंफर्ट है, सीटिंग कंफर्ट कैसा। तो मैंने जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे हेड के जो अकॉर्डिंग ये गाड़ी पी आगे की सीट अच्छी एडजस्ट है, और आइए आपको दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें आपको स्पेस मिलने वाली है। तो देख सकते हैं आपको को पैसेंजर की सीट जो इतनी नीचे होने के बाद भी मेरे लिए बहुत अच्छी खासी स्पेस मिल जा रही है, क्योंकि मेरी हाइट है 5'8", और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को अच्छे नी सपोर्ट नी रूम भी मिलने वाला है, और साथ में नीचे आपको थाई सपोर्ट भी अच्छा मिलने वाला है। ठीक, पीछे आपको किसी भी तरीके के एसी वेंट्स नहीं मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, बट यहाँ पे आपको एक हुक जरूर मिल जाता है जो कि टोयोटा का एक ट्रेडमार्क है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका कंफर्ट अच्छा है, और यहाँ पे आपको एक वो भी मिल जाने वाला है, हैंडरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक, इसमें आपको दो कप होल्डर्स की स्प्लिट प्लेसमेंट मिल जाएगी, और साथ में आपको हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल दो हेडरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी की कुछ फीचर्स के बारे में, तो गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं ABS, EBD, और साथ में आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आपको मिलने वाला है इसके गाड़ी के अंदर में। तो और फीचर के लिए ज़रा बताओ सिद्धार्थ क्या है। अगर और फीचर की बात करें तो आप स्क्रीन पे इसमें फ्लैश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके और फीचर्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ बूट स्पेस के बारे में। तो बूट को जब हम ओपन करते हैं यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाते हैं दो, और एक सेंसर से आप इसको क्या करते हैं बूट को बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, दूसरे सेंसर से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपको कितनी ज़्यादा स्पेस मिलने वाली। सबसे पहले अगर बात करूँ इसके पार्शल ट्रे की, तो आपको पार्शल इसमें फोल्डेबल पार्शल ट्रे मिल जाती है। उसी के नीचे जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको मिल जाता है 350 लीटर का बूट स्पेस, और इसी के नीचे अगर आपको मिलेंगी तो यहाँ पे आपको दी गई है स्टेपनी की प्लेसमेंट जो कि आपका स्टील रिम में आता है वही आपका। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इसके इंजन स्पेक्ट्स के बारे में। तो आइए हम बात करेंगे इसके इंजन स्पेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंजन इसका ओपन करने की आपको जगह यहाँ पे नीचे को दिया गया है। अब इसको जैसे पुल करते हैं तो आपका इंजन ओपन हो जाता है बोनेट। ठीक है, तो आप बोनेट का आप देख सकते हैं यहाँ पे आके इसका भाई मारुति कंपैरिजन में इसका टोटल इसके इंजन की बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको 1500 cc का पेट्रोल इंजन। ठीक है भाई, भारी रेट है इसका, वजन तो है गाड़ी के अंदर जो कि इस मजबूती प्रोवाइड करता है, बताता है इसको फोर स्टार रेटिंग के साथ इसको मजबूत गाड़ी। अब इसके अंदर 1500 cc का इंजन आपको मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 103 BHP की पावर, 138 Nm का टॉर्क, जो कि कंपनी क्लेम करती है 17 KMPL का माइलेज, लेकिन यह गाड़ी आपको उससे बढ़कर ही आपको माइलेज देने वाली है, क्योंकि कंपनी का जो इंजन इसमें प्रोवाइड किया गया है वो आपको बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है। तो ये कुछ था हमारा अर्बन क्रूज़र को लेके आपका रिव्यू। तो अगर ये गाड़ी भाई, ये रिव्यू उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि पुराने मॉडल को पसंद, ब्रेज़ा के पुराने मॉडल को पसंद करते थे, और वो एक रिलायबल गाड़ी चाहते हैं, और
टोयोटा का भरोसा चाहते हैं तो इस अर्बन क्रूज़र की तरफ आप देख सकते हैं एक बार। सो अगर आपको कार की बुकिंग करनी है या आपको कार के बारे में कोई भी क्वारीज हैं तो आप यहाँ पे सनी टोयोटा आके यहाँ पे कोई भी अपनी क्वारीज को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको पड़ता है फैज़ाबाद रोड के ऊपर। ये था हमारा कुछ रिव्यू इस कार को लेकर, अर्बन क्रूज़र को लेकर। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है जो कि होगा ग्लांजा के ऊपर, जो कि नया मॉडल आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो आप बने रहिए, नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाली है नया ग्लांजा की वीडियो हमारे ही इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए।